नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलत फहमियां पाल कर रखते हैं। हम कुछ ऐसी बातों को मन में बार बार दोहराते हैं जिससे वो हमें सच लगने लगती हैं, और उन्हीं को गलत फहमियां कहते हैं। अपने बारे में क्या क्या गलत फहमियां इंसान में रहती हैं, आज मैं ये आपको बताऊंगा। हालांकि इंसान अपने अंदर झांक कर नहीं देखता है, इंसान हमेशा दूसरों की गलतियां देखता है, दूसरों की गलतफहमियां देखता है, कभी अपने अंदर झांक कर देखता नहीं है। अपने अंदर की गलतफहमियां उसे मालूम ही नहीं होती, क्योंकि इंसान की ये फितरत ही नहीं है कि वो अपने अंदर झांक के देखे। तो मैं आपको कुछ गलतफहमियां बता रहा हूं जो लगभग हर इंसान में मिलती है। जिसके पास गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। नंबर दो, मेरे जैसा भाई, मेरे जैसा बेटा, मेरे जैसा पति, मेरे जैसा बॉयफ्रेंड, इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी गलतफहमी लगभग हर बॉय के मन में होती है। नंबर तीन, इस काम को कल कर लेंगे, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, ये गलतफहमी जीवन में जिसने अपने अंदर पाल ली वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता। आपको समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। आप अगर समय की कीमत समझते हैं तो ये समय आपकी कीमत समझेगा, अगर आप समय की कीमत नहीं समझेंगे तो ये समय आपकी कीमत नहीं समझेगा, आपको ऐसा उठाकर पटकेगा कि आपकी नानी याद दिला देगा। नंबर चार, मैं जो कुछ कर रहा हूं वही सही है, बाकी सब गलत है। ये बात लगभग हर मनुष्य में पाई जाती है, और इसी बात के कारण घर में कलह झगड़े होते हैं, क्योंकि पत्नी यह समझती है कि जो मैं कर रही हूं, जो मैं कह रही हूं वही सच है, और पति ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सच है। ये झगड़े की सबसे बड़ी जड़ है और साथ में सबसे बड़ी गलतफहमी भी है। नंबर पांच, काम में मेरे से बेहतर कोई नहीं हो सकता, किसी काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे सब नॉलेज है और मैं बहुत मेहनती हूं, अक्सर लोगों को ये गलत फहमी रहती है। नंबर छह, आज तक मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लगभग दुनिया के हर स्त्री पुरुष को ये बात कहते हुए आप सुन सकते हैं, और अगर किया है तो मैंने तुरंत माफी मांग ली है, मुझे तो स्वर्ग मिलेगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलत फहमी है। दोस्तों और भी बहुत सारी गलत फहमियां हो सकती हैं, लेकिन ऊपर मैंने जो गलत फहमियां बताई थी, अगर आप सिर्फ इनमें भी सुधार कर लें तो जीवन दूसरों से बेहतर हो सकता है, क्योंकि गलत फहमियों से बाहर निकलना हर मनुष्य का कर्तव्य है, और जितनी जल्दी आप गलत फहमियों से बाहर निकल जाएंगे आपका उद्धार हो जाएगा, आपके जीवन को एक राह मिल जाएगी, आपका जीवन में एक स्थान बन जाएगा और लोग आपकी कदर करेंगे। इसलिए बिना वक्त गवाए इन बातों पर जरूर गौर कीजिएगा, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो अपने जीवन में अपनाने की कोशिश शुरू कीजिएगा। अगर आपने ये बातें अपना ली तो आपका जीवन उगी बन जाएगा। आशा है जो बात मैं कहना चाहता हूं वो आपकी समझ में आ गई होगी। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।